A very good morning, children. Today, in English literature, I am going to teach you Chapter 5, Catching Fish. So, children, before starting this chapter, open your English literature book and follow this chapter with me. Book kholo aur main samjha rahi hu. Mere saath saath follow karo taki tum log acche se samajh sake. So, children, open your English literature book. पेज नंबर 39 खोलो. डू यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड? वॉट डू यू डू टूगेदर? रीड दिस स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स एंड फाइंड आउट वॉट दे डू. तो ये स्टोरी कैचिंग फिश, ये जो स्टोरी है ये दो बेस्ट फ्रेंड के बारे में है. वो लोग एक साथ क्या करते हैं वो ये स्टोरी हम लोग को बता रहे हैं. तो तुम लोग के पास ही बेस्ट फ्रेंड है, राइट? तो तुम लोग अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या करते हो? खेलते हो ऑल टाइम. तो यहाँ पर ये स्टोरी में ये अपना बेस्ट फ्रेंड के साथ क्या कर रहा है वो बता रहे हैं, ठीक है? कीटू वेक्स अप अर्ली वन मॉर्निंग. इट इज टाइम टू कैच सम फिश, ही सेज योनिंग. तो क्या होता है, कीटू एक दिन बहुत सुबह जल्दी उठ जाता है. वो अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह जल्दी उठता है. इट इज टाइम टू कैच सम फिश, ही सेज योनिंग. तो सुबह उठते साथ हम लोग को थोड़ा नींद आता है ना. नींद आने से हम लोग कैसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, योनिंग. इसको क्या बोलते हैं, योनिंग, ठीक है? ही सेट्स ऑफ फॉर द पॉन्ड विद फिशिंग रॉड. मतलब वो फिशिंग रॉड लेकर मच्छी पकड़ने के लिए तालाब के पास जाता है. फिशिंग रॉड लेके, फिशिंग रॉड कैसा रहता है, एक लंबा लकड़ी रहता है और आगे तरफ एक हुक लगा रहता है जिसमें वो लोग मच्छी को फंसाता है. ही मीट्स चंदू ऑन द वे. दे आर बेस्ट फ्रेंड, दे प्ले टूगेदर ऑल डे लॉन्ग. तो वो रास्ता में किससे मिलता है, चंदू से मिलता है. और चंदू कौन है कीटू का? चंदू कीटू का बेस्ट फ्रेंड है. वो लोग हमेशा एक साथ खेलते हैं. मुनिया सीज देम, दे आर कैरिंग फिशिंग रॉड्स. मुनिया देखती है कि वो लोग फिशिंग रॉड पकड़कर कहीं जा रहा है. वी आर गोइंग टू द पॉन्ड टू कैच सम फिश, कम अलोंग मुनिया इफ यू विश, दे से. वो लोग क्या बोलता है, हम लोग मच्छी पकड़ने तालाब जा रहे हैं, अगर तुम भी आना चाहती है मुनिया तो चलो हम लोग के साथ. लिटिल मुनिया थिंक फॉर सम टाइम. तो मुनिया क्या करती है, वो सोचती है थोड़ा देर के लिए. प्लीज डोंट कैच द फिश, सी सेज, दे विल डाई विदाउट वाटर. क्या बोलती है, मच्छी मत पकड़ो, वो लोग बिना पानी का मर जाएगा. कीटू एंड चंदू डू नॉट लिसन टू मुनिया, दे गो टू द पॉन्ड, मुनिया गोस विद देम. तो कीटू और चंदू मुनिया का बात नहीं सुनता है और वो लोग तालाब की ओर मच्छी पकड़ने चल जाते हैं. कीटू एंड चंदू पुट वन एंड ऑफ देयर फिशिंग रॉड इन द वॉटर, दे वेट. तो वो लोग क्या करता है, कीटू और चंदू मच्छी पकड़ने के लिए रॉड को, रॉड का एक तरफ जहाँ ऐसा हुक लगा हुआ है जहाँ मच्छी फंसता है उसको पानी में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करते हैं मच्छी पकड़ने के लिए, मच्छी उसमें फंसने का इंतजार करते हैं. टू फिश स्विम अप, वन इज थिन अनदर इज राउंड. तो वहां पर दो मच्छी फंसता है, एक पतला और एक राउंड वाला मच्छी फंसता है. दे कम्स देन कम्स अ थर्ड फिश. उसके बाद क्या होता है, तीसरा मच्छी आता है. इट इज द बिगेस्ट फिश दे हैव एवर सीन. उसके बाद तीसरा मच्छी आता है जो कि बहुत बड़ा फिश रहता है, उतना बड़ा वो लोग कभी देखा नहीं होता है. नाउ टर्न योर पेज, पेज नंबर 39. 39 से पेज नंबर 40. पेज नंबर 40 निकालो, अभी टर्न करो पेज को. मुनिया सेस लाफिंग, इट इज बिगर देन अप्पास फीट. क्या बोलता है, ये तो अप्पा के फीट से भी बड़ा है ये मच्छी. कीटू एंड चंदू
होल्ड द रॉड टाइटली एंड पुल इट। तो किट्टू और चंदू क्या करता है, रॉड को टाइट से पकड़कर खींचने लगता है। किट्टू शाउट्स माय फिश, चंदू शाउट्स नो माय फिश। किट्टू पुल्स हार्ड, चंदू पुल्स हार्ड। तो उन लोग दोनों आपस में बोलते हैं ये मेरा मच्छी है, ये मेरा मच्छी है। दोनों आपस में लड़ने लगता है, ये मेरा है करके। तो दोनों अपनी तरफ से जोर लगाते हैं मच्छी को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, फाट, बोथ द रॉड्स ब्रेक। क्या आवाज आता है, फाट, मतलब वो टूटने की आवाज है। बोथ द रॉड, उन लोग दोनों का जो रॉड है, दोनों का रॉड टूट जाता है। थर्ड, किट्टू फॉल्स टू द ग्राउंड। वो थर्ड क्या है, उसका गिरने का आवाज है। थर्ड से गिरता है किट्टू, कहाँ गिरता है, वो ग्राउंड में जाके गिरता है। स्प्लैश, पानी जब ऐसा बाहर उड़ता है तो क्या आवाज आता है, स्प्लैश। चंदू फॉल्स इंटू द वॉटर, चंदू कहाँ गिरता है, पानी का अंदर गिरता है। वॉट हैपन, वॉट डू यू थिंक, क्या लगता है क्या हुआ होगा। द बिग फिश हैड टाइट बोथ द स्ट्रिंग, वो जो बड़ा मच्छी था क्या किया, दोनों का स्ट्रिंग को फंसा दिया। और फंस कर क्या हुआ, दोनों खींच रहा था जोर जोर से, तो खींचा तानी में एक जन घिरा ग्राउंड में, चंदू घिरा तुम्हारा ग्राउंड में, किट्टू और चंदू, किट्टू घिरा तुम्हारा ग्राउंड में और चंदू घिरा तुम्हारा पानी में। चंदू कहाँ गिरा, पानी में, और किट्टू कहाँ गिरा, ग्राउंड में फंस कर। ओके चिल्ड्रेन, ये स्टोरी को एक बार रीडिंग करो अपने से, फिर इसको समझने की कोशिश करो। उसके बाद पेज नंबर 39 में देखो, यहाँ पर चिल्ड्रन तुम लोग देख सकते हो वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, राइट। ये वर्ड मीनिंग को अपना कॉपी में लिखना है, पहले चैप्टर का नाम लिखना है चैप्टर 5, और फिर ऐसा लिख के ये वर्ड मीनिंग हम देंगे, यही वर्ड मीनिंग को अपना कॉपी में उतारना है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं अदर एक्सरसाइज दूंगी, क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज दिया हो वो मैं दूंगी। थैंक यू चिल्ड्रन।